हाय दोस्तों, मैं देव और आप सभी का माइनक्राफ्ट की एक न्यू वीडियो में स्वागत है। तो आज अपन कह रहे हैं आल द मॉड पैक 6, तो इसका ये 8वां पार्ट है। तो वीडियो को लाइक करना, 30 लाइक कंप्लीट करवा देना, ज़्यादा अगर मैं आज नहीं रखता, जितनी आप हो सके कंप्लीट करा देना। तो अब बिना टाइम पेज के स्टार्ट करते हैं। तो आज अपन थोड़ा सा डिफरेंट काम करने वाले हैं, तो मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो पर एंड तक बने रहोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं रेड को टेम करने वाला हूँ, तो आप वीडियो पूरे बने रहना, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो चलो बिना टाइम पास के स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब देखते हैं, देखो क्या करना है, अपन को बकेट लेना और इन काउ से मिल्क लेके इन कोल्ड रोनन में डालना है। तो इनसे क्या बनेगा कि चीज़ बनेगा, और चीज़ से अपन रेट को टेम कर पाएंगे, क्योंकि रेट से अपन बहुत सारा काम करवा सकते हैं, उनसे अपन फार्मिंग करा सकते हैं, बिल्ड करवा सकते हैं, माइनिंग करवा सकते हैं। तो बहुत सारी होते हैं, बट मुझे पता नहीं, अभी देखेंगे। बट ये है कि रेट से अपन काम में ले सकते हैं। इनके लिए ये कोल्ड रोनन में मिल्क डालना पड़ता है और ये चीज़ में बदल जाता है। आई होप कि रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता हो, बट माइनक्राफ्ट में ऐसा ही होता है कि चीज़ ऐसे बनाते हैं कोल्ड रोलन में। तो फिलहाल इनको फिल कर देता हूँ पूरा, और जितना हो सके ये एक स्टैक के आसपास खाएंगे, तो जब भी टाइम हो गया, अदरवाइज नहीं होने वाले। तो देखते हैं, जितना हो सके उतना बना लेता हूँ। और जल्दी से इन सभी को फुल करो। और ये बी फार्मिंग बहुत अच्छी है, ये बहुत लिटरली अभी अपन बहुत सारे अलग अलग, मतलब जो एक्सपेंसिव है, जो मतलब रेयर मिलते हैं, उनकी भी बी होती है, तो उनको भी ढूंढने वाले हैं, उनको बना सकते हैं, बट देखेंगे फिलहाल अभी। तो अब देखो इनसे बना लिया, अब इन चीज़ को ये देखो, दो नीचे रेट मैंने यहाँ पर पकड़ के रख रखे हैं, तो यहाँ पर इनको डालोगे तो टेम हो जाएंगे, और ये टेम होने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो इनको खाने देते हैं, देखते हैं कितना टाइम लेंगे। और इसके अंदर जूम का ऑप्शन नहीं है यार, मुझे जूम का ऑप्शन मिला नहीं कि जूम की कौन सी है। वैसे तो सी से होता था, बट इसमें सी से जूम नहीं हो रहा है। अदरवाइज़ मैं आपको जूम करके इनका चेहरा भी दिखा देता, बट छोड़ो। तो फिलहाल ये टेम हो चुके हैं, तो देख सकते हैं इन पर टेम आ चुका है। तो ये दोनों टेम हो चुके हैं, अब मेरी बातें मानेंगे, अभी मेरे को फॉलो करेंगे, सब कुछ करेंगे जो भी मैं बोलूँगा। और इन्होंने कुछ ड्रॉप किया, दांत ड्रॉप किए होंगे, ये अपने दांत ड्रॉप करते हैं जब भी ये टेम होते हैं। एक कोई सा भी रेयर होता है कि दांत ड्रॉप करें अपने ये। फिलहाल इनका मुझे यूज़ करना नहीं आता, तो फिलहाल अभी इनको स्टे कर देता हूँ। और इनके अपन राइट क्लिक करेंगे क्राउच होकर, तो इनको अपन मतलब कमांड भी दे सकते हैं, और एक मेल है और एक फीमेल है दोनों, तो इनकी ब्रीड भी करा सकते हैं, बट मेरे को ब्रीड नहीं करानी, अभी इनको स्टे कराना है। तो ये एक जगह बैठ जाए, तो वो कहाँ गायब हो गया, कोई नहीं है। देखो मेरे को जब तक फॉलो करेंगे, जब तक मैं इसको स्टे नहीं करा देता, तो इनको जल्दी से इनको बिठा देता हूँ, और फिर आगे की प्रोसेस बताता हूँ। आज मैं विलेजर का थोड़ा मतलब विलेजर को लाने वाला हूँ, उनसे बहुत सारी ट्रेड करेंगे, और एमरल्ड के लिए लेके आने वाला हूँ। तो फिलहाल देखो, पिछली वीडियो में अपन ने लेटेक्स बनाया था, तो अब लेटेक्स से अपन को प्लास्टिक बना, इसमें फ्यूल प्रोसेसिंग यूनिट बनती है, जिससे अपन लेटेक्स से प्लास्टिक बना सकते हैं। ये छोटी सी प्रोसेस है, तो फिलहाल ये सारी चीज़ें अपन को स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, अदरवाइज़ अपन को प्लास्टिक नहीं मिलेगा। रियल लाइफ में शायद ऐसे बनता होगा, आई होप। आप नीचे कमेंट करके बताना कि रियल लाइफ में प्लास्टिक कैसे बनता है, मुझे तो नहीं पता, आपको पता होता आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो फिलहाल अपन को ड्राई ये सारी चीज़ें बनानी पड़ेगी, रबर बनाना पड़ेगा। तो ये देखो एक्सट्रैक्टर में ये लेटेक्स बन रहा है, बट इस लेटेक्स से अपन को प्लास्टिक बनाना है। पहले रबर बनाना पड़ेगा, रबर को अपन को फर्नेस में कुक करना पड़ेगा, फिर जाके अपन को प्लास्टिक मिलेगा। तो अभी तो जो मशीन अपन को बताई थी वो अभी बना लेते हैं, उनको बनाना एकदम ईजी है, तो जल्दी से बना लेते हैं। तो फिलहाल ये अपना बन के तैयार है। एक चीज़ और चाहिए, ये फर्नेस, ये बस एक फर्नेस और अपना फ्यूल, ये प्रोसेसिंग यूनिट बनके तैयार है। तो अब आगे की प्रोसेस बता देता हूँ, इसको लगा देता हूँ, और थोड़ी बहुत पाइप चाहिए होंगे इसके लिए, तो वो भी बताऊँगा, सारी चीज़ें बताऊँगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और वीडियो अच्छी लगे लाइक करके जाना। तो फिलहाल जल्दी से आगे की प्रोसेस देख लेता हूँ। तो लगभग ये देखो, ये मैंने बता दिया आपको, फ्यूल प्रोसेसिंग यूनिट, और एक इसमें ये सिंक बनता है, सिंक, क्योंकि इस यूनिट को सिंक से पानी देना पड़ता है। ये सिंक क्या होता है कि अनलिमिटेड वाटर सोर्स होता है, तो इससे अपन इसको पानी देंगे, तो फिलहाल इसी में काम आने वाला है। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी जितने भी लोग देखते हैं वो एक कमेंट करके जाए, हाय हेलो बाय, कुछ भी करना हो सब कुछ कमेंट कर सकते हो, आपको कोई भी पाबंदी नहीं है। तो प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके जाएं। तो मैं आपको बता देता हूँ, तो मैं आपको आगे की प्रोसेस बता देता हूँ। देखो ये ड्राई रबर बन रहा है, तो ये तो अपन ने बना लिया प्रोसेसिंग यूनिट, अब अपन को ये विलेजर को पकड़ के लाने वाला ये बनाना है। तो इसके लिए देखो, प्लास्टिक या ड्राई रबर को अपन कुक करेंगे तो ऐसे बना सकते हैं, और इसमें एक फ्लूइड पाइप बनता है और एक रेंच है। तो देखो ये फ्लूइड पाइप मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनते हैं। देखो लगभग सारी चीज़ें आपको शेयर, ये सारी चीज़ें आपके पास ब्रिक, इनसे आप नॉर्मल सा ये फ्लूइड पाइप बना सकते हो। तो ये नॉर्मल सा है, तो अब आपको एक चीज़ और थी, क्या थी, एक शेयर था, नहीं वो शेयर नहीं, रेंच था, रेंच से इसको कमांड देनी पड़ती है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कहाँ पर था। तो ये एक मेरे को गास्टियर चाहिए थी, और गास्टियर बनाना इसमें ये एक चीज़ मिलती है, जो क्या हो, क्रीपर को मारते हैं तो रेंडमली ड्रॉप करते हैं,
तो फिलहाल अभी अपन को रबड़ बनाना पड़ेगा। तो रबड़ बनाना एकदम ईजी है, तो अपने पास जो ड्राई रबड़ था ना उसको अपन को मिला कर ये बनाना पड़ेगा। तो जल्दी से मैं ले लेता हूँ। तो एक एक चीज़ होती है, आपको रेंच वाला भी बता देता हूँ, ये रहा। तो केबल वेंच चाहिए जो भी है ये बता देता हूँ कैसे बनता है। इसमें रेड स्टोन, आयरन की प्लेट और ये स्टिक लगा के सारी चीज़ें आप एकदम इजीली बना सकते हो। इसको आपको यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो एक कमांड देख सकते हो डिसेबल और इनेबल का। तो एक्सट्रैक्ट करना है इसको, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे और इधर राइट क्लिक, तो इसके अंदर आइए, लेटेक्स आना स्टार्ट हो जाएगा। और इसको भी राइट क्लिक करना है ये सिंक से भी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, सिंक भी बता देता हूँ दोबारा से कैसे बनाते हैं। तो इसमें सिंक कहाँ गया, देखो इसमें आयरन, एक वाटर बकेट और सारी चीज़ें आपके पास हैं। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें मैंने आपको एकदम इजीली बता दी है। तो अब इस ड्राई रबड़ को लेना है और शायद कुक करना होगा, आई होप कि ये कुक हो जाए। तो ये कुक नहीं हो रहा है भाई, भाई कुक क्यों नहीं हो रहा, भाई कुक नहीं होगा, शायद इसको मिला कर बनाना होगा। ओ भाई इसको मिला कर फिर कुक करना है, तो कोई बात नहीं अभी और बनना होगा। तो ये सारा लेकर फिर इसको मिला लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल है ना, मैं नीचे क्यों जाऊँ, यहीं से मिला लेता हूँ ना। तो मैं नीचे वाले सिस्टम को सारे को ऊपर सेटअप बनाऊँगा, बट अभी नहीं, घर नहीं बनाने वाला, इसमें घर यही बहुत है। वैसे इसमें बहुत सारे मैकेनिज्म, कम से कम मुझे 3-4 किलोमीटर का एरिया कवर करना पड़ेगा। तो देखते हैं अभी, मैं आगे की प्रोसेस बता देता हूँ। अभी इनको कुक करना पड़ेगा, जब जाके आगे की प्रोसेस होगी तो इनको निकाल लेता हूँ और इनको रख दो इनके अंदर कुक होने के लिए। और ये अपन को जो चीज़ चाहिए थी वो मिल जाएगी, फिर अपन उनको बना सकते हैं, जो मतलब विलेजर को पकड़ने के लिए बनाते हैं। तो अभी इसके अंदर तो मैंने इंगट रख रखे हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम ले लेंगे। तो जल्दी से इसको सारे को मैं अलग अलग में इसीलिए रख रहा हूँ क्योंकि यार बहुत टाइम ले लेंगे अदरवाइज कुक होने में। तो इनको पूरे को रख देता हूँ, जितने मेरे को 3-4 चाहिए थे, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो ये प्लास्टिक बन के तैयार है, ये भी प्लास्टिक बन गया है। तो लगभग मेरे पास बहुत सारा प्लास्टिक आ चुका है। तो अब आगे की प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है, एकदम ईजी है, कुछ भी नहीं करना। आपको सर्च करना है मॉब्स इम्पेंसमेंट टूल और इसको बना लेना है। तो ये बन के तैयार है। अब क्या कर सकते हैं, अपन किसी भी विलेजर को पकड़ के ला सकते हैं। और आपको पता है कि मेरे घर के आसपास ही एक विलेज है, वहाँ से बहुत सारे विलेजर हैं, कम से कम 10 से 15 घर हैं। तो लगभग मुझे 15 से 20 मिल जाएंगे। तो आपको दिखा भी देता हूँ विलेजर को कैसे पकड़ते हैं। तो ये पास में था इस दूसरे टापू पर, ये मैं इधर में रहता हूँ, उधर विलेजर रहते हैं। तो अब मैं विलेजर को अपनी एरिया में लेके आने वाला हूँ और यहीं पे इनका घर बना दूंगा। फिर इनसे मैं फार्मिंग कराऊंगा और मतलब इनसे एमरल्ड लूंगा, बहुत सारी चीज़ें लूंगा। और आपको एक बात बता दूँ, आपको 2 ही विलेजर चाहिए होंगे और सभी विलेजर को मार देना, क्योंकि ये विलेजर रैंडमली है ना, विलेजर का एग ड्रॉप करते हैं, तो उस एग से बहुत काम आने, लिटरली बहुत काम आने वाला है विलेजर एग। तो उसके लिए अपन फार्मिंग करेंगे विलेजर की। तो फिलहाल रैंडमली 0.54% होता है कि आप विलेजर को एग ड्रॉप करें। तो फिलहाल मैंने ऐसे पकड़ लिया और अपन जहाँ भी इसको रिप्लेस करना चाहें वहाँ जाके शिफ्ट राइट क्लिक कर दो और ये मतलब रिप्लेस हो जाएगा। तो मैं अपने इसके घर के अंदर ड्रॉप कर देता हूँ इसको। यार घर दे दिया फिर भी भागा जा रहा है, तो बाकी को मार देना, अदरवाइज़ आपको वो एग नहीं मिलेगा और इन फ्यूचर बहुत काम आने वाला एग। वो रेंडमली होता है कि 0.4% हो। देखो अब क्यों जा रहा है, जाके जब तो जा रहा था भागा भागा, एक तो घर दे रहा था तेरे को और वापस आ रहा है। देखो मरते ही देखो कितना शाना है। कोई बात नहीं, अभी इसको पकड़ लेता हूँ और इसको अभी, क्योंकि मैंने कुछ लगा नहीं रखा ना, इसके लिए पहले इसको ड्यूटी देनी पड़ती है जब ये अपने पास काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। तो मैं इसको फार्मर बनाऊँगा, फार्मर। वैसे पता नहीं है क्या बना क्या हुआ है, आई होप ये वहाँ पर ड्यूटी ले रखी है इसने, बट कोई बात नहीं। अभी तो इनको छोड़ो और मैं अभी 2 मिनट में इनका सेटअप तैयार करके इनका घर बनाकर अभी आपको 2 मिनट के अंदर मिलता हूँ अभी आपको 2 मिनट में। लिटरली 1 घंटे के बाद में पूरा तैयार हो चुका है, बट मैं थोड़ा बहुत सामान अंदर रख के आ देता हूँ क्योंकि मेरी इन्वेंट्री फुल हो चुकी है और मेरे को थोड़े बहुत फैंस भी चाहिए थे। तो फिलहाल मैं अपनी इन्वेंट्री को कम कर देता हूँ और मैं आपको बता दूँ कि मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मुझे विलेजर एग मिल चुका है। लिटरली मैंने सभी को मार दिया, मेरे को 4 या 5 विलेजर लेके आया हूँ और 10 से 15 विलेजर मारे जब जाके एक विलेजर ने ये विलेजर एग ड्रॉप किया है। तो ये बाहर आ रहे थे इसलिए मैं इनको अभी बंद कर देता हूँ। फिलहाल ये बाहर आ गए थे, इनको अभी बाहर नहीं आने देना है। तो इनको अंदर करो, इनकी ब्रीड भी कराएंगे, ब्रीड कर लेंगे शायद ये। भाई अंदर जा तू, ये और भी बाकी भी बाहर आ जाएंगे, तू अंदर नहीं जाएगा तो अंदर जा भाई, अंदर चला जा यार, कोई नहीं। तो लगभग ये काम करना स्टार्ट कर दिया और मेरे को विलेजर एग मिल चुका है। जैसे अपन नेक्स्ट वीडियो में आपको एक ओपी वाली सॉर्ड बनाना बताऊंगा, बट उसके लिए अभी मेरे को माना पे काम करना पड़ेगा। माना पे काम करेंगे ना जब ये विलेजर काम आने वाले हैं। तो
तो अभी तो इनका कोई यूज़ नहीं है, अभी इनसे बस एमरल्ड ले सकते हो। और इनको मैंने फार्मर क्यों बनाया, क्योंकि इनसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बनने वाली नहीं है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें देंगे। और रियली में ये सीरीज़ बहुत अच्छी होने वाली है अगर आप इस सीरीज़ पर कंटिन्यू रहे तो। अगर आप कंटिन्यू नहीं रहोगे, किसी दूसरे चैनल पर चल जाओगे, तो आपकी मर्ज़ी, आपका लॉस होगा, आप इतनी अच्छी सीरीज़ इन्जॉय नहीं कर पाओगे। लिटरली मैं तो बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ, अगर आपको इन्जॉय करना है तो मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हो। तो फिलहाल देखो, इनकी मैंने करा दिया लगभग, इनका सेटअप तैयार कर दिया है। और ये विलेजर एग मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा विलेजर एग। तो इसमें एकदम क्लियरली लिखा है कि 0.4% इनका चांस होता है कि ये ड्रॉप करें। आपका लक अच्छा हुआ तो आपको ये विलेजर एग ड्रॉप कर देंगे अगर आप विलेजर को मारोगे तो। आई होप आपका लक अच्छा हो, मेरा तो लक अच्छा है। वैसे YouTube पे अच्छा नहीं है क्योंकि मेरे व्यू नहीं आते, 2 साल हो गई इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी नहीं आते, बट कोई बात नहीं, इन फ्यूचर कभी तो मेरा भी अच्छा होगा। फिलहाल इनका तो मैंने सेटअप तैयार कर दिया, बट अभी इनकी ब्रीड और करवा देता हूँ, क्योंकि यार 2-3 ही विलेजर हैं, 2-3 नहीं 4-5 हैं शायद। और इन्होंने ड्यूटी भी ले ली है और ये सभी फार्मर बन गए हैं। अब इनको मैं फार्मर की ड्यूटी दे रहा हूँ, अभी बाद में बताऊँगा ये फूड का सोर्स इनसे मेरा पूरा करने वाला हूँ। लिटरली वीडियो तो अभी बहुत बड़ी हो चुकी है, तो फिलहाल इसको वीडियो को इतनी रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन माना पे काम करेंगे थोड़े दिनों में जल्दी से। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप लाइक करोगे और सभी के सभी कमेंट करके जाओगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग वीडियो देखें कमेंट करो, हाय हेलो बाय टाटा सी यू, कुछ भी लिखना लिखो, गाली मत लिखना, बस जो मन में आए लिखो, हाय हेलो बाय टाटा सी यू। आप बातें करो अपने दोस्तों से, दोस्त बनाओ मेरे कमेंट में जो भी कमेंट करते हैं, तो कोई बात नहीं। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना बहुत है, ज़्यादा बड़ी मैं वीडियो को नहीं खींचने वाला। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय टाटा सी यू। अपना ध्यान रखो, कोरोना से बच के रहो, घर से बाहर मत जाओ, क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ख़त्म होगा जब चले जाना, और आपकी मर्ज़ी। वैसे मैं तो घर पर ही रहता हूँ, पूरे दिन इन्जॉय करता हूँ माइनक्राफ्ट, कोई बात नहीं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय बाय टाटा सी यू, बाय बाय। लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना, बाथरूम जाने नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा। बाय।